अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सोशल इंजीनियरिंग के बारे में। सोशल इंजीनियरिंग एक आर्ट है या एक ऐसा तरीका कार है जिसमें हैकर्स हमारी सोशल एक्टिविटीज के बारे में जानकर इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं हमारे बारे में और फिर इस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हुए हमारे डाटा को कम्प्रोमाइज करते हैं या हमारे डाटा को चुराते हैं। इसमें साइकोलॉजी का भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल है। मतलब हैकर जो होते हैं उनको यूजर्स की साइकोलॉजी का पता लगाना होता है कि यूजर चाहता क्या है इंटरनेट से और यूजर का इंटरेस्ट किस चीज में है। यूजर्स की हॉबीज के बारे में जानते हैं वो, फिर उसी हिसाब से यूजर्स को लिंक सेंड करते हैं और लिंक जाहिरी तौर पर एक ऐसी वेबसाइट को जा रहा होता है जो कि यूजर के लिए करामद है। मतलब यूजर का रिक्वायर्ड डाटा पड़ा होता है उस वेबसाइट पर, जाहिरी तौर पर ऐसे ही होता है, लेकिन वो एक मलिशियस लिंक होता है। उस पर जब यूजर क्लिक करता है तो उसको यूजर को ले जाता है किसी मलिशियस वेबसाइट पे या फिर ऑटोमेटिकली वहां पर यूजर के सिस्टम में वायरस ट्रांसफर हो जाता है। इसके अलावा और बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जिसको इस्तेमाल करते हुए हैकर्स यूजर के डाटा को कम्प्रोमाइज करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं वेब डेवलपमेंट सीखना चाहता हूं तो मैं कोर्सेज सर्च करता हूं वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड, और अगर मेरा कोई दोस्त वगैरह है या मेरा कोई जानने वाला है वो मेरे अकाउंट्स वगैरह को एक्सेस करना चाहता है तो वो क्या करेगा, वो कोई हैकर हायर करेगा या किसी जानने वाले से बात करेगा कि किस तरह है, मेरा दोस्त है उसको वेब डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है और उसका मैंने अकाउंट्स हैक करना है या उसकी इन्फॉर्मेशन को चुराना है। तो हैकर्स जो होते हैं वो जान जाते हैं साइकोलॉजी को और उसमें यूजर के इंटरेस्ट को, फिर उसी हिसाब से यूजर को एक लिंक सेंड करते हैं जो मलिशियस लिंक होता है। अब यूजर समझ रहा होता है या मैं समझ रहा होगा, मुझे एक लिंक सेंड किया जाएगा और मैं समझूंगा कि वो एक वेब डेवलपमेंट के कोर्स की तरफ जा रहा है, लेकिन जब लिंक पर क्लिक करूंगा तो मेरे जो सिस्टम है उसमें वायरस आ सकता है या मुझे एक ऐसी वेबसाइट पर ले जाया जा सकता है जहां पर मुझे एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने कहा जाता होगा, लेकिन वो सॉफ्टवेयर एक्चुअली मलवेयर होते हैं, वो मलिशियस सॉफ्टवेयर होते हैं जो मेरे सिस्टम के लिए या मेरे डाटा के लिए नुकसानदेह साबित होते हैं। अब आप किसी भी साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट से पता करा ले तो आपको वो यही कहेगा कि जो जितने भी अटैक्स होते हैं, जितना भी यूजर का डाटा कंप्रोमाइज होता है उसमें यूजर्स का अपना भी हाथ होता है। मतलब यूजर जो होता है वो ऐसे लिंक पर क्लिक करता है जो उसको मलिशियस वेबसाइट की तरफ ले जाते हैं या कोई ट्रोजन होता है, मलवेयर होता है, वो ऑटोमेटिकली यूजर के सिस्टम आ जाता है। अब अगर यूजर ऐसे लिंक को क्लिक ही ना करे, मतलब उस पर कोई तवज्जो ही ना दे, तो कभी भी आपका सिस्टम कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। लेकिन अगर यूजर ही ऐसे लिंक पर क्लिक करता है तो इसकी मिसाल ऐसा है कि आपने एक घर है आपका, उसको आपने हर तरफ से ताले लगाए हुए, हर तरफ से लॉक किया हुआ है, मतलब फुल सिक्योरिटी है उसमें, उसमें सेंसर लगे हुए हैं, हर तरह से सिक्योर है वो। लेकिन एक बंदा आता है पिज्जा डिलीवर करने और आप उसको आसानी के साथ और कमरे के अंदर या घर के अंदर आने दे देते हैं क्योंकि आप समझ रहे होते हो कि वो पिज्जा डिलीवरी बॉय है, लेकिन वो एक्चुअल में कोई भी हो सकता है। बात करने का मतलब ये है कि आपने पहले जज करना होता है कि आप जिस वेबसाइट की तरफ जा रहे हैं या जिस लिंक पर क्लिक कर रहे होते हैं वो लिंक ऑथराइज्ड है, ये आपने कंफर्म करना है और फिर उसके बाद आपने क्लिक करना है उस लिंक पे। अब सोशल इंजीनियरिंग अटैक मेनली दो तरीकों से हो रहा होता है, एक ह्यूमन बेस्ड मेथड होता है और एक कंप्यूटर बेस्ड मेथड होता है। ह्यूमन बेस्ड अटैक में क्या होता है, कोई थर्ड पार्टी होती है वो आपको एक लिंक सेंड करती है, कोई शख्स होता है वो आपको लिंक सेंड करता है, आपको कहता है कि आप अपने जो बैंक अकाउंट है उसकी डिटेल्स जो आपकी है वो कंप्रोमाइज हो चुकी है और उसको अपना जो बैंक अकाउंट है आपका उसकी डिटेल हमें दो, हम ताकि आपको पासवर्ड वगैरह चेंज कर दोबारा से सेट कर दें। जैसे कि रिसेंटली हुआ था, मुझे बैंक का नाम याद नहीं है, लेकिन ऐसा हुआ था कि जो बैंक के यूजर थे उनको एक मैसेज आ रहा था कि उनका जो डाटा है वो कंप्रोमाइज हो चुका है और एक लिंक था उस पर क्लिक करने कहा जा रहा था कि अपना पासवर्ड यहां पर चेंज करें। अब जो लोग वहां पर पासवर्ड चेंज कर रहे थे वो पासवर्ड जा रहा था सीधा अटैकर्स के डेटाबेस में और अटैकर्स वहां से पासवर्ड को उठा रहा था। और कंप्यूटर बेस्ड अटैक में आपको ईमेल्स आ रही होती है, आपको ऑटोमेटिकली ईमेल्स आ रही होती है किसी मशीन की तरफ से या किसी ऑटोमेटिक कंप्यूटर्स की तरफ से, या आपको मैसेज आ रहे होते हैं आपके मैसेंजर पर। इसके अलावा और बहुत सारी अटैचमेंट्स होती हैं ऑनलाइन वेबसाइट्स पे या फिर जो सॉफ्टवेयर उनके साथ अटैचमेंट होती है, और वो अटैचमेंट जो होती है वो एक वायरस ही होती है जो किस तरह आपके सिस्टम में एंटर होती है और आपका जो डाटा होता है उसको अटैकर्स तक पहुंचा देती है। अब सोशल इंजीनियरिंग का जो अटैक है इससे प्रिवेंशन की भी वही तरीके हैं जो पहले मैं डिस्कस कर चुका हूं वीडियोज में। इसमें भी आप किसी ऐसे लिंक पर क्लिक ना करें जो ऑथराइज ना हो। इसके अलावा ईमेल के साथ अटैचमेंट आ रही होती है, कुछ मलिशियस लिंक्स होते हैं उन पर आप कभी क्लिक ना करें, और अनऑथराइज वेबसाइट से सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हुए ख्याल कर लें कि उनके साथ कोई अटैचमेंट्स या वायरस वगैरह तो नहीं लगे हुए। एक अच्छी क्वालिटी का एंटीवायरस इस्तेमाल करें और पब्लिक वाईफाई का इस्तेमाल ना करें, और अगर आपने मजबूरी में करना भी हो तो कभी भी अपने सोशल मीडिया के जो अकाउंट्स हैं उनको लॉग इन ना करें। इसके अलावा आपकी जो एक्टिविटीज है, रोजमर्रा जिंदगी की एक्टिविटीज है, उनको सोशल मीडिया से दूर रखें। मतलब आप कहीं पे जा रहे होते हैं, रस्ते में किसी खास जगह पे जाते हैं तो आप उसका स्टेटस अपलोड कर देते होते हैं,
और इसके अलावा आप पिज्जा वगैरह खा रहे हो तो उसका आप स्टेटस अपलोड कर रहे होते हैं। इस तरह जो अटैकर होता है, जो हैकर होता है, उसको आपके एक्टिविटीज का पता होता है। अब जब उसको आपके एक्टिविटीज का पता होता है तो उसी हिसाब से आपके डाटा को कंप्रोमाइज करने की कोशिश करता है, या उसको पता चल जाता है कि आपकी हॉबीज क्या है, आपके मशगले क्या हैं, तो फिर उसी हिसाब से वो आपको लिंक सेंड कर रहे होते हैं आपकी जो ईमेल के स्पैम फोल्डर में, या फिर ईमेल के जो आपका इनबॉक्स होता है उसमें आ रहे होते हैं इस तरह की ईमेल्स आपकी चॉइस से रिलेटेड। और फिर आप सोच रहे होते हैं कि ये ईमेल्स क्यों आ रही है मुझे, मतलब इनको कैसे पता चल जाता है। उसमें यही होता है कि आपकी जो एक्टिविटीज है उनको नोटिस किया जा रहा होता है। अगर किसी खास बंदे की आप पर नजर है और आपके वो कोई कंपनी वगैरह है आपकी, आपके डाटा को नुकसान पहुंचाना चाह रहा है, तो वो इन तरीकों को इस्तेमाल करते हुए, सोशल इंजीनियरिंग को इस्तेमाल करते हुए आपके डाटा को कंप्रोमाइज कर सकता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिएगा। मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहां पर क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, नहीं है यहां पर क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।